स्टूडेंट्स, आज हम लोग विकास का जो एक पक्ष है आपका संज्ञानात्मक विकास यानी बौद्धिक विकास उसकी थियोरी पढ़ेंगे जिसके प्रवर्तक जीन प्याजे थे जैसा कि हम लोग मानते हैं कि जो विकास के पक्ष माने गए हैं इसमें आपका शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट दूसरा मानसिक या बौद्धिक विकास मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसको हम लोग बोलते हैं तीसरा आपका संवेगात्मक विकास है इमोशनल डेवलपमेंट है चौथा सामाजिक विकास है सोशल डेवलपमेंट है और पांचवा आपका नैतिक विकास यानी मॉरल डेवलपमेंट है ठीक है तो यहाँ पर हम लोग विकास का जो दूसरा पक्ष हमारा है, है बौद्धिक विकास या संज्ञानात्मक विकास उसकी थियोरी को आज हम क्लियर करने जा रहे हैं जो कि लगभग हर बार आपके सीटेट के एग्जाम में या यूपीटेट के एग्जाम में पूछी जाती है तो सबसे पहला आता है कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या ज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या बौद्धिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे जीन प्याजे थे ये एक प्रसिद्ध स्विस मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने क्या किया कि ये एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने एक बार ये सोचा कि जब हम किसी बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो वो आसानी से सीख लेता है इन केस अगर हम बच्चे को कुछ ना सिखाएं तो उसके सीखने की दिशा कैसी होगी वो सीखेगा या नहीं सीखेगा या किस प्रकार से सीखेगा इसको जानने के लिए इन्होंने लगातार कई वर्षों तक रिसर्च किया और एक ही आयु वर्ग के बच्चों के साथ रिसर्च किया और उसके बाद ये इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो जन्म से सक्रिय व क्रियाशील है यानी जब से मानव जन्म लेता है वो अपने वातावरण के साथ क्रिया करते हुए कुछ न कुछ सीखता ही रहता है यानी अगर आप किसी बच्चे को कुछ ना भी सिखाएं तो भी वो अपनी गति और क्षमता के अनुसार एनवायरमेंट से इंटरेक्ट होकर के कुछ ना कुछ सीखता ही रहेगा वो हमारे प्याजे ही हैं जिनकी देन ये है कि हमने अपने बच्चों को समझा हमने अपने बच्चों को आ, आ, बच्चों को अपने अकॉर्डिंग ढालने का प्रयास नहीं किया बल्कि बच्चों को उनके अनुसार कार्य करने का और सीखने का अवसर दिया तो जब प्याजे ने ये निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य जन्म से ही सक्रिय व क्रियाशील प्राणी है जो अपने वातावरण के साथ इंटरेक्ट होता और कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है यानी बच्चे का जो बौद्धिक विकास होता है वो एक क्रम से आगे बढ़ता रहता है जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ेगी उसका बौद्धिक विकास भी आगे बढ़ता है यहाँ पर जो प्याजे हैं उन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास में कई मेजर शब्दावली का प्रयोग किया है जैसे पहली जो फेमस शब्दावली है वो आपकी क्या है स्कीमा है फिर इन्होंने संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन का प्रयोग किया ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्होंने दूसरी अनुकूलन यानी अडाप्टेशन का प्रयोग किया इसके बाद आत्मसातीकरण यानी एसिमिलेशन क्या होता है एसिमिलेशन के साथ एक प्रक्रिया होती है समावेशन या समंजन की प्रक्रिया यानी एकमोडेशन की प्रक्रिया ये क्या है तो इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास में इन कई प्रचलित शब्दावलियों का प्रयोग किया तो आज हम लोग एक एक करके इनको समझेंगे तो सबसे पहले बात आती है स्कीमा क्या होती हैं क्या है हमारे मस्तिष्क की वे संरचनाएं हैं जिनमें वो ज्ञान एक व्यवस्थित यानी जो कुछ भी हम सीखते हैं वो ज्ञान एक व्यवस्थित या स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है या पाया जाता है यानी मस्तिष्क की वो संरचनाएं जिनमें हमारा जो ज्ञान है वो एक व्यवस्थित या ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखा रहता है और जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है हम उस स्कीमा का प्रयोग कर लेते हैं यानी स्कीमा में भी लगातार परिवर्तन होता रहता है हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं ठीक है थीके? इसके बाद क्या है संगठन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है वातावरण से प्राप्त ज्ञान व सूचनाएं जो हमारे मस्तिष्क में एकत्रित होती हैं हैं उसे हम क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं लेकिन ये सूचनाएं ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं होती हैं जैसा कि हम रोज कुछ ना कुछ सीखते रहते जैसे आज हम विद्यालय गए हमने रास्ते में कुछ देखा हमारे माइंड में आ गया फिर हम विद्यालय गए मैंने देखा कोई बहुत गंदे तरीके से बात कर रहा है वो भी हमारे माइंड में चला गया अगर उसने कुछ ऑड वर्ड्स का यूज किया तो भी हमारे माइंड में चला गया यानी रोज हम जो कुछ अपने आसपास से सीखते हैं जो हमारे माइंड में लगातार जाता रहता है लेकिन उसके बारे में हम कभी कोई खास विचार नहीं करते हैं तो संगठन का मतलब होता है वातावरण से प्राप्त वह ज्ञान या अनुभव जो केवल हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है उसका ऑर्गेनाइज होना कोई आवश्यक नहीं है तो ये डिफरेंस आपका था संगठन और स्कीमा के बीच में स्कीमा भी हमारी मस्तिष्क की संरचनाएं हैं लेकिन इन संरचनाओं में हमारा जो नॉलेज होता है वो एक प्रॉपर तथा ऑर्गेनाइज फॉर्म में पाया जाता है संगठन के साथ एक और मानसिक क्रिया प्रयोग होती है जिसका नाम है अनुकूलन यानी एडाप्टेशन अनुकूलन क्या होता है तो कहते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर अपने पूर्व ज्ञान या स्कीमा का प्रयोग करके जब हम परिस्थितियों के साथ समायोजन करते हैं या किसी भी परिस्थिति के साथ तालमेल करते हैं या अपनी समस्याओं का समाधान खोजते हैं तो वो जो होता है वो क्या कहलाता है आपका अनुकूलन अडेप्टेशन कहलाता है यानी अनुकूलन की प्रक्रिया कहलाती है यानी स्कीमा का प्रयोग करके या पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके परिस्थितियों के साथ समायोजन करना या वर्तमान समस्याओं को हल करना क्या कहलाता है अनुकूलन या अडेप्टेशन कहलाता है ठीक है इसके बाद प्याजे ने कहा कि संगठन के साथ हमेशा अनुकूलन की प्रक्रिया पाई जाती है और इसके बाद इन्होंने एक नई शब्दावली का प्रयोग किया आत्मसाथ करन, assimilation क्या होता है? तो जैसा कि आप लोगों ने सुन रखा आत्मसात करने का मतलब होता है जो जिस तरह से या जिस रूप में हमारे सामने हो उसको बिल्कुल एज इट इज ग्रहण कर लेना क्या कहलाता है आत्मसातीकरण कहलाता है और ऐसा माना गया है कि छोटे बालकों में आत्मसातीकरण की प्रक्रिया पाई जाती है इसीलिए हमें कभी भी किसी बच्चे को कोई गलत आंसर नहीं देना चाहिए इन केस अगर हमें कुछ नहीं आता है तो हमें पढ़ के उन्हें रिस्पॉन्स देना चाहिए या मना कर देना चाहिए उसे छोटा बच्चा समझ करके कभी भी कोई गलत उत्तर नहीं देना चाहिए क्योंकि उनमें क्या होता है एक एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है आप जो चीज उन्हें जिस रूप में बता देंगे वो उसे एज इट इज ग्रहण कर लेते हैं और इस आत्मसातीकरण में परिवर्तन तभी होगा जब वो और बड़े होंगे और उनमें खुद के अनुभव पाए जाएंगे ठीक है तो आत्मसाती करण का मतलब क्या होता है किसी भी वाह ज्ञान या सूचना को बिना किसी तर्क या परिवर्तन के एज इट इज स्वीकार कर लेना आत्मसातीकरण के साथ एक और मानसिक क्रिया आती है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं समावेशन भी कहते हैं इसको समंजन भी कहते हैं और समाविष्टीकरण और इंग्लिश में इसका एक नाम है एक्मोडेशन भी कहा जाता है इसको ठीक है तो समंजन या समाविष्टीकरण या समावेशन होता क्या है तो कहा जाता है कि जो हमारा पूर्व ज्ञान है उस पूर्व ज्ञान में जब हम स्वयं के अनुभवों को जोड़ते हैं तो इससे क्या होता है कि जो हमारा प्रीवियस नॉलेज होता है वो और भी ज्यादा ब्रॉड हो जाता है और भी ज्यादा मॉडिफाइड हो जाता है यानी परिमार्जित हो जाता है तो ये क्या कहलाता है समावेशन कहलाता है यानी पूर्व ज्ञान में संशोधन की जो प्रक्रिया यानी मॉडिफिकेशन की जो प्रक्रिया होती है वो समावेशन कहलाती है या पूर्व ज्ञान में स्वयं के अनुभवों और विचारों को जोड़ने की प्रक्रिया हमारी सम... समावेशन या यान कहलाती है जैसे ही हमें एक्मोडेशन शुरू होता है हम समानता और भिन्नता दोनों बताने लगते हैं और दो कार्यों और परिस्थितियों में अंतर भी स्थापित कर लेते हैं तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच का डिफरेंस बताएंगे जैसे कि सपोज़ एक छोटा सा बच्चा होता है तीन चार साल का बच्चा है और वो पहली बार अपने गांव गया है चार पाँच साल का बच्चा है उसने अभी तक कुत्ता वाइट रंग का और बकरी नहीं देखी थी तो जब वो अपने गाँव जाता है तो वहाँ पर उनके घर में एक सफ़ेद रंग का कुत्ता पला होता है और वो उसको देखता और अपनी मॉम से पूछता है कि ये क्या है तो उसकी मम्मी बता देती है कि ये कुत्ते का बच्चा है पप्पी है ये उसने क्या किया उस पप्पी का जो पूरा स्ट्रक्चर यानी जो पैटर्न था उसको अपने माइंड में फॉर्म कर लिया अच्छा ये वाइट कलर का है इसके जो है ना चार ऐसे पैर हैं छोटा सा क्यूट सा मुंह है दो छोटी छोटी सी आंखें हैं एक पूछ है तो उसके दिमाग में क्या हुआ एक कंसेप्ट बन गया पूरी तरह से कि ये क्या है पप्पी है इसका फॉर्म ऐसा होता है दो तीन दिन के बाद क्या होता है कि अचानक वो बाहर बैठा होता है और एक सफेद रंग के बकरी का बच्चा उसके सामने से जाता है और जैसे ही वो बकरी का बच्चा उसके सामने से जाता है वो उसको पप्पी पप्पी कह करके बुलाने लगता है ये जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण कहलाता है यानी जो स्ट्रक्चर उसके माइंड में था बिल्कुल एज इट इज उसने चीज देखी और उसको उसने वही समझ लिया क्यों क्योंकि वो बकरी का बच्चा भी वाइट रंग का था उसके बकरी के बच्चे को भी पप्पी समझ करके पप्पी बुलाने लगता है अब ये क्या हो गया आपका एसिमिलेशन हो गया अब जब वो चूंकि गांव में गर्मी की छुट्टियों में गया था वहां पे रहता है तो कुछ दिनों के बाद वो क्या देखता है कि ये जो आ, हमारे घर में है इसका साउंड पैटर्न कुछ अलग है यानी इसके बोलने का तरीका कुछ अलग है और ये जो बाहर टहल रही है इसका साउंड पैटर्न कुछ अलग है ये अलग आवाज में बोलता है और ये अलग आवाज में बोलती है अब उसमें माइंड में क्या हुआ कि एक नई बात उसके प्रीवियस नॉलेज में एक नई बात जुड़ गई कि सभी बातों के समान होने पर भी दोनों का साउंड पैटर्न सेम नहीं है फिर एक दो दिन के बाद वो क्या महसूस करता है ये कुछ अलग चीजें खाता है और ये कुछ अलग चीजें खाती है अब उसके प्रीवियस नॉलेज में एक और नई बात जुड़ गई धीरे धीरे उसके पूर्व ज्ञान में नई बातें जुड़ती जाती हैं और एक दिन ऐसा आता है कि जब वो कुत्ते और बकरी में डिफरेंस करना यानी कुत्ते के बच्चे में और बकरी के बच्चे में डिफरेंस करना सीख जाता है तो ये जो प्रक्रिया होती है वो आपकी क्या कहलाती है समावेशन कहलाती है यानी आपकी एक्मोडेशन कहलाती है इतना सबको क्लियर हो गया तो ये कुछ शब्दावली थी जिनको जीन प्याजे ने अपने सिद्धांत में यूज किया है स्कीमा क्या होता है संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन क्या है संगठन के साथ किस मानसिक क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो यह अनुकूलन है एडेप्टेशन है आत्मसातीकरण के साथ कौन सी मानसिक क्रिया आती है तो समावेशन या एकमोड समावेशन या एकमोडेशन है आपका ठीक है तो ये शब्दावली जीन प्याजे ने अपने सिद्धांत में यूज की है इसके अलावा जीन प्याजे ने यह माना कि जो बौद्धिक विकास होता है उसके चार चरण होते हैं ठीक है बौद्धिक विकास के कितने चरण माने हैं इन्होंने चार चरण माने हैं यानी आयु वर्ग के आधार पर यानी एज के अकॉर्डिंग इन्होंने बौद्धिक विकास को चार चरणों में विभाजित किया है जिसमें पहला चरण है हमारा संवेदी गामक या इंद्रिय गामक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज जो कि जीरो से लेकर के दो वर्ष की आयु तक पाई जाती है दूसरी जो अवस्था है हमारी वो है पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि दो वर्ष से लेकर के सात वर्ष तक पाई जाती है इसके बाद बौद्धिक विकास की जो तीसरी अवस्था है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं जो कि सात वर्ष से लेकर के ग्यारह वर्ष की अवस्था तक पाई जाती है और चौथी जो स्टेज है वो है अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि 11 वर्ष से लेकर के 15 या 16 वर्ष की अवस्था तक पाई जाती है जिसमें जो बालक होता है वो एक सक्रिय यानी इस अवस्था में बौद्धिक विकास का सबसे उच्चतम विकास होता है यानी बच्चा समस्या समाधान के स्तर तक पहुंच जाता है तो ये थी आपकी पियाजे की थ्योरी जिसको अगले टर्न में हम इन चारों स्टेजेस को ब्रीफ में समझेंगे कि इन चारों स्टेजेस से आपके काफी क्वेश्चंस आते हैं कि इनमें क्या क्या कहा गया है तो फिलहाल यहाँ पे प्याजे को हम एक बार डिफाइन कर लेते हैं कि संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे तो जीन प्याजे थे किस मनोवैज्ञानिक ने यह माना है कि मनुष्य जन्म से ही सक्रिय व क्रियाशील प्राणी है जो लगातार अपने वातावरण से इंफॉर्मेशन को यानी सूचनाओं को ग्रहण करता या एकत्रित करता है तो जीन प्याजे थे जीन प्याजे ने जो बौद्धिक विकास सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने कहा है स्कीमा क्या होती है तो हमारी मस्तिष्क की वे संरचनाएं जिसमें हमारा ज्ञान एक ऑर्गेनाइज्ड या प्रॉपर फॉर्म में पाया जाता है नेक्स्ट क्या है संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन क्या है तो वातावरण से प्राप्त ज्ञान व सूचनाएं जो हमारे मस्तिष्क में एकत्रित रहती हैं लेकिन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं होती हैं ठीक है थीके? संगठन के साथ जो दूसरी प्रक्रिया है वो हमारी अनुकूलन यानी अडेप्टन की है तो अडेप्टेशन क्या है एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने पूर्व ज्ञान और अनुभवों का प्रयोग करके किसी भी कार्य को करते हैं किसी भी समस्या को हल करते हैं या किसी भी नई परिस्थिति के साथ तालमेल बनाते हैं वो क्या कहलाता है आपका अनुकूलन कहलाता है करन, एसिमिलेशन क्या होता है किसी भी ज्ञान या सूचना को एज इट इज ग्रहण कर लेना यानी बिना किसी तर्क या परिवर्तन के स्वीकार कर लेना जो जैसा है उसको उसी रूप में मान लेना आत्मसातीकरण कहलाता है और समावेशन या समंजन क्या होता है तो पूर्व ज्ञान में स्वयं के अनुभवों और विचारों को जोड़ना या पूर्व ज्ञान में मॉडिफिकेशन या संशोधन की जो प्रक्रिया होती है वो हमारी समावेशन कहलाती है यानी एक्कोमोडेशन कहलाती है इतना सभी को क्लियर हो गया ओके थैंक यू